चंदौली जिले के तहसील नागौर में वन विभाग ने कोरोना से मृत या अपनों की यादों को संजोने की मुहिम शुरू करते हुए 25 करोड़ वृक्षारोपण जन आंदोलन अभियान शुरू किया है। स्मृति वन में कोरोना से दिवंगत परिजनों में एवं सैनानी सैनिकों के परिजनों के द्वारा पौधारोपण कराया गया। DFO रामनगर दिनेश सिंह ने जयमोहनी रेंज के दिवंगत पूर्व वन क्षेत्राधिकारी नदीम खान की स्मृति में पौधारोपण करते हुए कहा कि इस वाटिका में दिवंगत परिजनों की याद में पौधारोपण कराकर इसमें नाम पट्टिका लगाई जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी अजितेंद्र नारायण सिंह, ASP नक्सल अनिल कुमार के द्वारा भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में जनपद चंदौली में 25 करोड़ पौधरोपण पूरे प्रदेश के अंतर्गत जनपद चंदौली का लक्ष्य 39,66,000 के करीब था, जिसमें अभी तक 37,86,000 पौधों का रोपण कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य प्रगति पे है। उम्मीद की जा रही है कि 6 बजे तक रोपण कार्य पूर्ण हो जाएगा। यह कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक चला है और पूरे जनपद में चारों तरफ अन्य विभागों द्वारा 24 अन्य विभागों द्वारा पूरा सहयोग किया गया है और रोपण को समय से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज नौगढ़ क्षेत्र में एक स्मृति उपवन की स्थापना की गई। कोविड से जो शहीद हुए हैं, हमारे बीच से जो लोग चले गए हैं, उनकी याद में उनके परिवार के सदस्यों द्वारा रोपण किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय विधायक शारदा प्रसाद जी और जिले के अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे और उनके द्वारा भी पौधरोपण कार्य संपन्न कराया गया।